अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक स्टोरी है जो कि एक मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, ऑलमोस्ट समझ लें कि जी मेरे वालिद साहब के क्लाइंट हैं। वो वालिद साहब के ज़माने में वो वालिद साहब के साथ प्रॉपर्टी लेना देना करते थे, बेचते थे, ख़रीदते थे, एक्स वाई जेड। अच्छा, वो आज भी मेरे साथ कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो उनके साथ एक स्टोरी हुई है, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, और इस स्टोरी को आप लोग सब देखिएगा, अपने लोग दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनके साथ ऐसा हाथ ना हो जाए, ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। ये मैं फ्रॉड ही कह सकता हूँ इसको। इन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी जिसका 2,75,000 रुपये रेंट आता था, और ये प्रॉपर्टी इन्होंने ख़रीदी 6 करोड़ की। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2,75,000 रुपये रेंट, फेयर इनफ, अच्छा रेंट है, बहुत सही रेंट है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकों का सूद नहीं खाना चाहते, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके और पैसिव इनकम जनरेट करते हैं अपने रोज़गार के लिए, अपने माल, मतलब अपने समझ लें कि ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए। तो इन साहब ने भी ऐसा किया, इन्होंने 6 करोड़ की वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली और 2,75,000 रुपये उसका रेंट आ रहा था। लेकिन इन्होंने और भी प्रॉपर्टियां देखी होंगी, और प्रॉपर्टियां महंगी थी, तो इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी परचेज कर ली जो कि मेन रोड की बिल्डिंग है लेकिन स्ट्रीट की शॉप है। मेन रोड की बिल्डिंग है, बिल्डिंग मेन रोड पर आती है, शॉप जो है वो स्ट्रीट पे आती है, लेकिन वहाँ रोड की कटिंग कुछ ऐसी है कि अगर आप शॉप पर खड़े हो जाएं तो वो मेन रोड ही नज़र आता है। यहाँ पर एक इनके साथ धोखा हुआ, उसके बाद 2,75,000 जो रेंट TCS वाले वहाँ बैठे हुए थे, TCS एक बहुत बड़ा अदारा है, और वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वो लोग 2,75,000 रुपये रेंट दे रहे थे, और वो 1,50,000 या शायद उससे भी कम जब रेंट था तब उन्होंने वो शॉप रेंट पे ली थी, पर वो कंटिन्यूसली जो 10% बढ़ता रहता है, वो 10% बढ़ के उनका रेंट 2,75,000 रुपये आ चुका हुआ था। इन साहब ने ये शॉप ख़रीद ली, अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली, और टेनेंट एग्रीमेंट जो है, रेंट का जो टेनेंट एग्रीमेंट जो है वो इन्होंने अपने नाम करवा लिया। अब रेंट ये लेना शुरू कर दिए इन्होंने। 6 महीने बाकी थे टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला, TCS वालों का जो साल पूरा होता है, तो वो रेंट ख़त्म होने पे, मतलब एग्रीमेंट ख़त्म होने पे 6 महीने बाकी थे। इन्होंने जी 6 महीने के बाद एग्रीमेंट रिन्यूअल के लिए भिजवाया, तो 2,75,000 किराए का 10% अगर आप लगाएं तो तकरीबन 27,500 रुपये ऐड हो जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3,00,000 के पास आ जाता है। तो इन्होंने उनसे कहा कि यार राउंड फिगर 3,00,000 रुपये आप कर दो रेंट, और ओके, जो ऑलमोस्ट 3,00,000 के पास आ जाता है तो उसको राउंड फिगर कर लेते हैं कि 3,00,000 रुपये, या 3,00,000 से शायद कुछ ऊपर चला जाता है, बहरहाल 3,00,000 रुपये कर लेते हैं। तो उन लोगों ने इनको 1 महीने का नोटिस दे दिया। उन्होंने कहा जनाब हम आपकी शॉप खाली कर रहे हैं, हमें एक और शॉप मुनासिब किराए में मिल गई है। TCS वालों ने इस शॉप के बिल्कुल सामने जो शॉप थी वो शॉप उन्होंने 1,75,000 रुपये पे रेंट आउट कर ली, और यहाँ से वो मूव हो गए। अब जनाब हुआ ये कि 10-10% बढ़ के रेंट बढ़ा हुआ था। एक्चुअली में उस शॉप का रेंट 1,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आज के बाज़ार में, या आज से साल पहले या 2 साल पहले, और उस शॉप की वर्थ जो कि स्ट्रीट की थी, जो मेन रोड पे खड़े होकर नज़र आती है शॉप, लेकिन वो शॉप स्ट्रीट की थी, उसका रेट 6 करोड़ नहीं था। अब बिल आखिर एंड ये हुआ कि जी 2019 अक्टूबर से वो शॉप खाली पड़ी हुई है, और अक्टूबर से खाली पड़ी हुई है 2020 अक्टूबर 1 साल, 2021 अक्टूबर 2 साल, 2022 अक्टूबर 3 साल, और
चार महीने हो गए वो शॉप रेंट पर नहीं गई, क्योंकि मालिक जो है वो 1.5 लाख रुपए में देना नहीं चाहता, 1.5 लाख से ऊपर रेंट पर उस शॉप को कोई लेना नहीं चाहता। तो बिलाखिर लब्बे लबाब ये है कि उस जिस साहब ने ये शॉप ख़रीदी थी, जो कि मेरे वालिद साहब के क्लाइंट थे, आजकल मुझसे भी कुछ थोड़ा बहुत वो ट्रेड करते हैं, उनका लब्बे लबाब बातों का सबका ये है, पूरी स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि उनको प्राइस वाइज भी नुकसान हो गया, उस शॉप की वर्थ 5 करोड़ 4.5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, और उनको उनकी जो पैसिव इनकम थी उसका भी नुकसान हो गया, जो कि 1.5 लाख से ज़्यादा उनको नहीं मिल सकती। थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को थोड़ी सी एक और जानकारी देना चाहता हूँ अपने हवाले से कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो एक्चुअली उसकी वहाँ क्या वर्थ है वो वर्थ चेक कर लें, और जो भी प्रॉपर्टी आपको रेंट पर लगी लगाई मिल रही है क्या उसका रेंट इतना बनता है, आस पड़ोस में और शॉप्स के हवाले और शॉप से आप पता कर लें, लोग बहुत सारे लोग रेंट पर बैठे हुए होते हैं तो आप किसी और से पता कर लें क्या वहाँ इतना रेंट चल रहा है, जब नहीं चल रहा तो उसका मतलब है कि जी आपको आने वाले टाइम में नुकसान हो जाएगा। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर डिफेंस फेज़ 5 में बदर कमर्शियल में, जिसकी प्राइस हम 3.5 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, पूरा 200 गज का जो है वो ऑफिस है, 3.5 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं जिसमें कमी पेशी हो जाएगी, और उसका 1.5 लाख रुपये रेंट आता है। तो 1.5 लाख रुपये रेंट आता है, अगर वो 1.5 लाख रुपये रेंट से अभी हाल फिलहाल में उसको खाली कर दिया जाए तो उसका 1.5 लाख से ज़्यादा ही रेंट आपको दोबारा मिल जाएगा। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो लेनी चाहिए जिसका आपको रेंटल का और प्राइस का नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, अपने रिश्तेदारों के साथ दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पे आपको कोई रेंट नहीं देना, आपने कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं देनी, आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगना, सिर्फ आपकी ये एक फिंगर से आप टच कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों को और अच्छे मशवरे इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।